अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बायोइनफॉर्मेटिक्स विद एमकी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एरेट। एरेट सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। एरेट हमारे पास एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें हम स्ट्रक्चर की वैलिडेशन करते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमने एट्रेसर के थ्रू या स्विस मॉडल के थ्रू या जिस डेटाबेस के थ्रू भी हमने उसे प्रेडिक्ट किया है, क्या ये आगे क्रिस्टलाइजेशन के लिए सही है, आगे उस पर हम काम कर सकती है या नहीं कर सकती। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम उस स्ट्रक्चर को कंफर्म करें और उसको वैलिडेशन दे के। एरर जो है वो नॉन बाइंडिंग इंटरेक्शन को फाइंड करती है ताकि आपको बता सके कि ये स्ट्रक्चर कितना परसेंट जो है वो सही है कितना नहीं, अकॉर्डिंग टू द एरर स्कोर एंड वार्निंग स्कोर। अब यहाँ पर एरर में हमारे पास दोनों स्कोर दिखाई देंगे, वो एक होगा एरर स्कोर और एक वार्निंग स्कोर। एरर स्कोर में अगर वो 99 से ग्रेटर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर सही नहीं है और इस पर हम आगे काम नहीं कर सकते। दूसरा, अगर वार्निंग स्कोर जो है वो लेस देन 90 आते हैं तो वो भी हमारे पास उसकी स्ट्रक्चर जो है उस पर हम आगे काम नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हमारे एरर स्कोर जो है वो 99 तक है तो इट्स मीन दैट हमारा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो वैलिड है, हम उस पर आगे काम कर सकते हैं, थीसिस या पब्लिकेशन उस पर हम काम कर सकते हैं उस पर। तो इंशाल्लाह इस वीडियो का हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जारी रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। तो हम अब सर्च करते हैं एरेट डेटाबेस को। तो यहाँ पर हम देते हैं एरेट। आपने शो करना ये है कि एरेट टूल फॉर स्ट्रक्चर वैलिडेशन एज वेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरेट ये उसका होम पेज है, उस पर सिंपली आप यहाँ पे स्ट्रक्चर वैलिडेशन फ्रॉम एरेट टूल उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसका जो अपना होम पेज है वहाँ पर वो एंटर हो जाएगा और उस एंटर के बाद आप उसको स्ट्रक्चर लैब यूएसी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस पेज नो लॉन्गर सर्विस एंड इन ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट टू, ये तकरीबन 10 सेकंड ने आपने इसको अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर वो अपना ऑटोमेटिकली आपके पेज जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ फाइल, आपने फाइल को चूज़ करना है जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसे चूज़ करनी है और अपने जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डबल क्लिक करके एंटर करना है। तो हम अपने प्रोटीन को ढूंढते हैं कि हमारा प्रोटीन कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये हमारा मॉडल वाला प्रोटीन है, ये आ गई है और इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद हमें क्या चाहिए, एरर की रिज़ल्ट चाहिए। तो हम एरर पे स्टार्ट करते हैं और ये सबसे पहले हमें स्कोर देगा, उस स्कोर के बाद हम उसे वेरीफाई करते हैं। ओवरऑल क्वांटिटी फैक्टर इज़ 90% जो है वो सही है, मतलब जो स्ट्रक्चर हमने दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमें कन्फर्म करने के लिए हमें उस पर आगे जाना होगा और यहाँ तक आना होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जो रेजोल्यूस ये नीचे नज़र आ रहे हैं आपको, ये रेजोल्यूस है और ये हमारे पास एरर वैल्यू है। अब मसला ये है कि जब आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर की जो एरर वैल्यूज़ है वो 99 को क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो एरर है, वो गलत है, आप उसे चेंज करके दोबारा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और एरर अगर इस 95% से कम है, वार्निंग पे दे रहे हैं 95% अब ये एरर है और 99% ये वार्निंग पे है, मीन दैट ये स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर एरर हमारे पास 99 को क्रॉस करते हैं तो इट्स मीन दैट आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है और स्ट्रक्चर को आप दोबारा चेंज कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम हमारे पास एरर है, फाइंड मॉडल जो है मॉडल का नाम है, फिर जो है जो चेन ए है और ऑल क्वान्टिटी ऑफ फैक्टर इज़ 90.9141% जो है वो स्ट्रक्चर क्वालिटी आपको प्रेडिक्ट कर देती है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर हमने प्रेडिक्ट कर दिया ये बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर है और इस ग्राफ को हम इस थीसिस या किसी भी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि स्ट्रक्चर की वैलिडेशन कैसे करते हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि स्ट्रक्चर वैलिड है या नहीं। थैंक यू सो मच।